बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अफशा खान। आज मैं आपके साथ बेसिक वनीला स्पंज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत नरम और मुलायम केक बनके तैयार होता है। मैं इसे विदाउट ओवन विदाउट बीटर बनाना सिखा रही हूँ। मैं इसे आपको जूसा ब्लेंडर बनाना सिखा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। 3 अदद अंडे डालेंगे जग में। ये रूम टेम्परेचर पे है अंडे। अंडे डालने के बाद इसे ब्लेंड कर लेंगे 1 से 2 मिनट कवर करके। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं अंडे ब्लेंड होते हुए। इसमें मैं 100 ग्राम चीनी शामिल कर दूंगी, थोड़ी थोड़ी करके, एकदम से नहीं डालिएगा, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है चीनी को। चीनी मैंने शामिल कर दी है। इसमें मैं ऑयल शामिल करूंगी 50 ग्राम। ऑयल डालने के बाद इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट और ब्लेंड कर लेंगे। ये अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। इसे मैं बड़े बोल में निकाल लूँ अंडे के बैटर को। इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरह चला लेंगे। अच्छी तरह चलाने के बाद इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे। 150 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है ये बेकिंग पाउडर है। इसे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, हाफ हाफ करके। मैंने हाफ डाल दिया है। इसे मिलाएंगे। अच्छी तरह मिलाने के बाद बाकी बचे मैदे को भी अच्छी तरह मिला लेंगे। हल्के हाथ से मिलाइएगा, ज़्यादा तेज़ हाथ से नहीं मिलाइएगा। केक का बैटर अच्छी तरह तैयार हो चुका है। देखिए कितना मुलायम और क्रीमी सा बना है। इसे केक मोल्ड में निकाल लेंगे। केक मोल्ड मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, घी लगा के। आप इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं। सारा बैटर डाल लेंगे केक का। सारे केक के बैटर को निकालने के बाद मोल्ड को अच्छी तरह टेप कर लेंगे। इसमें जो एयर और बलून्स हों वो सब निकल जाएंगे। एक बड़ी पतीली ले लेंगे, इसे मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसमें एक स्टैंड रखेंगे। केक के बैटर को एहतियात से रख देंगे। पतीली हमारी प्री हीट है। केक पैक करने के लिए फ्लेम इतना मीडियम होना चाहिए जैसे कि हम दम पे रखते हैं, दम से ज़्यादा तेज़। पतीली पे कपड़ा डाल देंगे, इससे केक अच्छी तरह और बेक हो जाएगा। इसे मैं 40 से 45 मिनट बेक करूंगी। केक बेक होते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। इसे मैं चेक कर लूंगी, किसी तीली या स्टिक से चेक कर लीजिएगा। अभी बीच में से घी लिए, केक को 10 मिनट और बेक कर लेंगे। केक बेक हो चुका है 10 मिनट और। इसे मैं स्पून की मदद से चेक करना बता रही हूँ। केक अच्छी तरह बेक हो चुका है। देखिए स्पून बिल्कुल क्लियर निकला है। इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये भी थोड़ा गर्म है, एहतियात से निकाल लेंगे। देखिए पीछे से कितनी अच्छी ना बेक हो चुका है। लाइट गोल्डन कलर भी आ चुका है इसमें। इसे सीधा कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम बना है। इसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इसे बीच में से काट लेंगे केक के स्पंज को। काटने के बाद देखिए कितने अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। ये अंदर से भी नरम मुलायम स्पंज बन के तैयार हुआ है। अंदर से कितना अच्छा और भुरभुरा सा बेक हुआ है। ये बहुत ही नरम मुलायम होता है। इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको मैं शेप में काट लूँगी, जिस तरह आप शेप में काटना चाहें। मैं इसे लंबाई में काटूँगी बीच में से। देखिए मैं आपको एक पीस दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है। कितना नरम सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है आज आपको वनीला स्पंज केक की रेसिपी पसंद आई होगी। ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सा केक बनके तैयार होता है। उम्मीद है आज आपको वनीला स्पंज केक की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।